सरों का। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। प्लास्टिक का तमंचा लेकर घूमते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर बीच सड़क पर असली तमंचा लेकर घूमती नजर आए तो लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसा एक मामला प्राइम टीवी के इस खास रिपोर्ट में। लोगों से भरा बाजार, खरीदारी करते लोग, तमंचे की खबर, मच गया भगदड़। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा कि आखिर मांजरा क्या है। तो इस वीडियो में आप जिस महिला को देख रहे हैं, ये पेशे से एक शिक्षिका जो बच्चों को बुराइयों से दूर हटकर अच्छाइयों पर लाने का पाठ पढ़ाती है। लेकिन तलाशी के दौरान इनके चेहरे से भी नकाब उतर गया जब इनकी जेब से तमंचा बरामद हुआ। दरअसल ये पूरा मामला मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड का है, जहां लोगों ने पुलिस को महिला के पास से तमंचा होने की सूचना दी। इस मामले की सूचना मिलते ही बिना देर किए पुलिस उस महिला के पास पहुंची और महिला कांस्टेबल ने उसकी तलाशी ली तो उसके जींस से तमंचा बरामद हुआ, जिसे देखकर पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। दिन दहाड़े बाजार में तमंचा मिलना कोई आम बात नहीं है, और जैसे ही शिक्षिका करिश्मा के जेब से तमंचा मिला, आसपास के लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने महिला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो फिरोजाबाद की रहने वाली है और पेशे से वो एक टीचर है। किसी ने उसके पास तमंचा देख लिया, तभी इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पास से तमंचा बरामद किया। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।